किसान आंदोलन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। 26 जनवरी की जो घटना हुई उसके बाद में किसानों के अंदर और ज्यादा रोष आया है और बहुत बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली के चारों तरफ जो लोग हैं पहुंच रहे हैं। एक जो है न्यूज चलाई जा रही है, खबर चलाई जा रही है कि हरियाणा में किसानों का विरोध हो गया, जबकि ये झूठी न्यूज है। विरोध करने वाले मात्र जो है 150 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के द्वारा तैयार किए हुए हैं, आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग ही इस तरीके का एक षड्यंत्र किया जा रहा और एक विरोध करके खबर चलाई जा रही है, जिससे ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जबकि हरियाणा का प्रत्येक किसान जो है इस आंदोलन के साथ खड़े हैं, हरियाणा के खापे हैं वो इस आंदोलन के साथ खड़ी है और पिछले 2 महीने से लगातार हरियाणा के लोग जो है इस आंदोलन के अंदर डटे हुए हैं अपने ट्रैक्टर ट्रालियां लेके। और अब 26 जनवरी के बाद में और बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है वहां दिल्ली के जो बॉर्डर है उनके ऊपर पहुंच शुरू हो गए। हरियाणा के गांव के अंदर रातों को भी बैठकें होती है और बड़ी बड़ी सभाएं होकर लोग तैयारियां करके हजारों ट्रैक्टर जो लेके दिल्ली के चारों तरफ पहुंच रहे हैं। हरियाणा का नौजवान वहां पहुंच रहा है, हरियाणा का किसान वहां पहुंच रहा है और बहुत बड़े इलाकों की संख्या के अंदर टिकरी बॉर्डर के ऊपर, गाजीपुर बॉर्डर, संगो बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़ी संख्या के अंदर हरियाणा के किसान और हरियाणा का प्रत्येक आदमी जो है, हर घर से एक व्यक्ति जो है इस आंदोलन के अंदर शामिल है। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है ये नामात्र अफवाहें हैं, सिर्फ ये बीजेपी और आरएसएस के गुंडों द्वारा इस तरीके का विरोध किया जा रहा है, बाकी पूरा हरियाणा इस आंदोलन के साथ खड़ा है।